वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 9 अप्रैल 2020 और 9 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु बहुमुखी कोटिंग विकसित किया है। सबसे पहली बात, बहुमुखी कोटिंग क्या होता है? तो ये जो है एक विशेष प्रकार का कोटिंग होता है जिसमें किसी भी प्रकार के जो वायरस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये अभी विकसित किया है किसने? JACASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये स्थित कहाँ पर है? तो यह अभी बेंगलुरु में स्थित है। और ये जो कोटिंग है, यह कोटिंग इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार से निपटने में अच्छा परिणाम दिखा रहा है और इन्फ्लुएंजा को 100% नष्ट कर रहा है। अतः यह पता चलता है कि कोटिंग COVID-19 को नष्ट करने में भी प्रभावशाली हो सकता है। तो इस कारण से जो है ये कोटिंग विकसित किया गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारने हेतु बेस कैंप स्थापित करने का खुलासा किया है? इसका सही जवाब है नासा। तो नासा का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा जो है 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्य को उतारने हेतु आर्टेमिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। कौन सा कार्यक्रम? आर्टेमिस कार्यक्रम, दक्षिणी ध्रुव पर 2024 तक मनुष्य को उतारने के लिए। तो ये तो बात रही कि उन्होंने किस बेस कैंप को स्थापित करने का खुलासा किया है। अब नासा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे कि नासा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, तो हम सभी जानते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और नासा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडनस्टाइन। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम संगीतकार अर्जुन मास्टर का निधन हो गया है? अभी हाल ही में मलयालम संगीतकार अर्जुन मास्टर का निधन हो गया है। तो वे कौन थे? एम के अर्जुन। अब इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ये 84 वर्ष के थे। इन्होंने 300 से अधिक नाटक और 200 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। इसका पूरा नाम एम के अर्जुनन। इसका निधन कोच्चि में हुआ है, याद रखिएगा, इसका निधन कोच्चि में हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो एम के अर्जुन है, इन्हें मास्टर ऑफ मेडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें अभी हाल ही में केरल सरकार फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महमूद जिब्रिल का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वे लीबिया के प्रधानमंत्री थे। ये थे महमूद जिब्रिल, जिसका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे कहाँ के? लीबिया के। अब ये लीबिया के थे, तो ये 68 वर्ष के थे और ये लीबियाई विद्रोही सरकार के पूर्व प्रमुख भी थे। तो अब ये लीबिया के प्रधानमंत्री थे। तो लीबिया की कैपिटल कहाँ है? ट्राइपोली। लीबिया के पीएम कौन है? फैयज अल सर्राज। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया गया है 7 अप्रैल को। तो ये किसने मनाया है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
स्वास्थ्य के विषयों में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल मनाता है। और इस बार जो है कुछ स्पेशल ही रहा है। स्पेशल क्यों रहा है? कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 पहले से अधिक विशेष महत्व रख रहा है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया, लगभग सभी देश इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं, इसलिए इस बार यह विशेष महत्व रख रहा है। अब बात रही कि इसकी थीम क्या है, तो 2020 की थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नैसकॉम का नया अध्यक्ष, तो ये है नैसकॉम। नैसकॉम का नया अध्यक्ष अभी यूबी प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है, यूबी प्रवीण राव। इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव को 2020 से 21 के लिए, याद रखिएगा, 2020 से 21 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? यूबी प्रवीण राव को। ये पहले कौन थे? इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। अब यहाँ दो बात आई, एक तो नैसकॉम, एक इन्फोसिस, दोनों के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नैसकॉम, नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो ये हुई नेशनल की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे ये नैसकॉम है क्या? तो नैसकॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक व्यापार संघ है। एक बार फिर से, नैसकॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक व्यापार संघ है। ये रही बात नैसकॉम। अब आते हैं इन्फोसिस क्या है। तो इन्फोसिस के अभी वर्तमान, इन्फोसिस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। तो इन्फोसिस के वर्तमान में CEO कौन है? सलिल पारेख। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई है? 7 जुलाई 1981। कहाँ पर पुणे में। उसके बाद इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस IFS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया? इसका सही जवाब है अनुराग श्रीवास्तव। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये रवीश कुमार है, ये अनुराग श्रीवास्तव नहीं है, ये रवीश कुमार है, जो कि पहले IFS के अधिकारी थे, लेकिन अब इन्हें बदलकर अनुराग श्रीवास्तव को नया प्रवक्ता बनाया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि IFS, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विसेस। और इससे पहले अफ्रीकी यूनियन तथा इथोपिया के राजदूत भी रह चुके हैं ये। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव अफ्रीकन यूनियन तथा इथोपिया के राजदूत भी रह चुके थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने, अभी देश में जो कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप है इसी बीच, एक बहुत ही सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है। इसका नाम बताना, इसका नाम है जीवन वेंटिलेटर। अब ये विकसित किया किसने है? तो जीवन को रेलवे ने तो किया ही है, तो
लेकिन कौन सी कोस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया है। और अभी तक एक सर्वे के मुताबिक पूरे देश भर में कुल वेंटिलेटर की संख्या 57,000 के आसपास है, 57,000 के आसपास। इसीलिए चूंकि महामारी बढ़ती जा रही है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत भी आगे बहुत ज़्यादा होगी। इस कारण से भारतीय रेलवे के द्वारा ये एक पहल है जो कि सस्ते में वेंटिलेटर उपलब्ध करा रही है। जीवन की कीमत बिना कंप्रेसर के, कंप्रेसर एक पार्ट होता है, बिना कंप्रेसर के लगभग 10,000 रुपये है। इस जीवन की कीमत लगभग 10,000, जो किसने अभी तैयार किया है? इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके बाद अब बात आई इंडियन रेलवे की, तो भारतीय रेल की स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस दवा के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध को हटा लिया है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि एक मलेरिया की दवाई है, बहुत ही फेमस अभी ये हो रही है, क्योंकि इनका असर जो है कोरोना वायरस पर पड़ता है। तो ये जो COVID-19 है, इन पर भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का असर पड़ता है। इस कारण से बाजार में इस मेडिसिन की मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो भारत ने अभी फिलहाल प्रतिबंध हटाकर दवाई निर्यात हेतु लाइसेंस जारी करने का फैसला ले लिया है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? तो टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है, ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, तो इन्होंने टीम 11 का गठन किया है। अब ये टीम 11 का गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो टीम 11 का उद्देश्य पीड़ितों की चिकित्सा देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा बेरोजगारों की सहायता करना है। तो इतने उद्देश्य के साथ टीम 11 एक अच्छा पहल उत्तर प्रदेश में कर रही है। टीम 11 क्या है? तो ये एक प्रकार का अंतर विभागीय समितियों का गठन है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात आई थी, तो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां यहां पर सबसे पहले शेयर की जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस महामारी पर अपनी पहली बैठक आयोजित की है? इसका सही जवाब है UNSC। अब सबसे पहले UNSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, ये होता है UNSC का फुल फॉर्म। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद UNSC ने COVID-19 महामारी पर चर्चा करने हेतु एक बंद सत्र का आयोजन हुआ है किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। UNSC ने COVID-19 महामारी पर चर्चा हेतु एक बंद सत्र का आयोजन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक महामारी पर पहला दस्तावेज कौन सा था, ये आपको बताना है। तो ये पहला दस्तावेज था कोरोना वायरस 2019 से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
अपनाई जाने वाली वैश्विक महामारी पर पहला दस्तावेज का नाम अगर पूछा जाएगा तो उसका सही जवाब होगा कोरोना वायरस 2019 से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता। अब यहाँ बात आई यूएनएससी की, तो यूएनएससी की स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू यॉर्क में, कहाँ है, न्यू यॉर्क में। इसके बाद हम लोग आते हैं आज के प्रश्न पर, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए भी सेफ ट्यूनल लगाई है, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का ये करेंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।